الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگو اور دینی بھائیو اللہ نے ہمیں یہ زندگی آخرت سجانے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے دی یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک امانت ملی ہے اور کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان آزاد نہیں رہتا کہ جو چاہے وہ کرے بلکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ کی طاعت میں عبادت میں اور رضا مندی میں گزرنی چاہیے اس وجہ سے اس کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی جیسے غلام کی ہر نقل و حرکت پر آقا کی نظر رہتی ہے ملازم کی ملازمت پر مالک کی نظر رہتی ہے اس طرح جب ہم اللہ کے بندے ٹھہرے
तो बंदा नवाज की हमारी बंदगी पर नजर है। वो लम्हात जिंदगी के जो इबादतों में गुजरेंगे, जो अल्लाह की याद में गुजरेंगे, जो काम में गुजरेंगे, खैर और भलाइयों के ऊपर उसमें कोई पुरसिश नहीं है। और अगर वक्त चौपालों में गुजरता है, गपशप में गुजरता है, फजूल बातों में गुजरता है तो फौरन गिरफ्तारी। मुसलमान किसी भी वक्त में फजूल काम नहीं कर सकते। उसका हर लम्हा और हर कदम रजाए इलाही में गुजरना चाहिए। और ये रजाए इलाही में कैसे गुजरेगा, उसके दो रास्ते हमारे पास। एक रास्ता कुरान वाला, एक रास्ता हदीस वाला। या तो कुरान करीम से मुंसलिक होकर आपका वक्त गुजर रहा है, या अहादीस मुबारका आपके सामने है और आपके कदम उठते हैं। इस पर दोनों तरफ से खुशनुदी के परवाने मिलना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौपालों में और चौराहों में बैठने से परहेज करो। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया कि दिन भर हम लोग थक जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रात को जरा एक चबूतरा है वहां बैठ जाते हैं, कुछ गुफ्तगु करते हैं, दिन के अहवाल की चर्चा करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, ऐसा ही अगर करते हो तो रास्ते का हक अदा करो। दीन भी दो चीजों का नाम है। एक चीज का नाम है हुदूद, यानी कंट्रोल में रहकर जिंदगी गुजारना। कुरान ने बाउंड्री बताई, हदीस ने बाउंड्री बताई, ये बाउंड्री में रहकर जिंदगी गुजारना, हुदूदुल्लाह, तिलका हुदूदुल्लाह। और दूसरा दीन नाम है हुकूक का। यहां तक के अपना हक क्या है, जिस्म का क्या हक है, वो भी हुजूर ने बयान फरमाया। ये नहीं फरमाया कि जिंदगी को फेंक दो, इसलिए तो खुदकुशी से मना किया है। खुदकुशी कोई भी करे ये अच्छा काम नहीं है, ये नापसंदीदा अमल है। लेकिन इसको कवरेज इस बिना पर मिला कि ये किसी मुसलमान खातून ने अंजाम दिया, वरना दुनिया में 99% गैर मुस्लिम खुदकुशियां करते हैं। आज से चंद साल पहले एक किताब छपी थी, किताबें तो छपती रहती हैं हर वक्त, फिर उसके एग्जीबिशंस होते हैं। कौन सी किताब ज्यादा मकबूल रही, लोगों ने पढ़ी, बेस्ट सेलर, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कौन सी रही? तो जवाब आया कि खुदकुशी की किताब सबसे ज्यादा बिकी।
इसके अंदर खुद को मार डालने के आसान 40 तरीके बताए। इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगा दी, फरमाया वला तक्तुलु अनफुसकुम, अपनी जानों को जाय मत करो, ये जाने तुम्हारी नहीं है, अल्लाह की है, ये टाइम तुम्हारा नहीं है, अल्लाह का है, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं, अल्लाह की। अब इसको इस्तेमाल करना है, इसको यूटिलाइज करना है, तो अल्लाह चाहे तरीके पर करना पड़ेगा। जो खुदकुशी करता है वो समझता है कि मेरा मसला खुदकुशी से हल होगा, हकीकत यह है कि खुदकुशी से मसला उलझ जाता है, मरने वाला कयामत तक परेशान रहता है, घर वाले हैरान रहते हैं, मसला हल कहां हुआ, ये तो और ज्यादा बढ़ गया। हदीस शरीफ में एक मजमून आता है, गौर से सुने। सहाबे किराम में जो मुहाजिरीन और अंसार थे, इनने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा करवाया। आज इसकी बड़ी कमी है, भाईचारा नहीं, हमारे अंदर आपस में फूट पड़ी हुई है। भाईचारा कायम करने के लिए, मोहब्बत कायम करने के लिए नमाज को कायम करना है। नमाज में सफें लगेगी, सफों के अंदर लोग जुड़ेंगे, तो हदीस में फरमाया दिल भी आपस में जुड़ेंगे। जब मस्जिद ही में नहीं आएगा तो दिल टुकड़ा टुकड़ा, जमातें पारा पारा हो जाएंगी। सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जगह सामने वाले के दिल में बन जाए, तो बगैर खर्चे का नुस्खा इस्लाम ने बताया। दुनिया वाले जो नुस्खे बताते हैं उस पर खर्च होता है, दीन जो नुस्खा बताएगा खर्चा कम हो जाए। जो आदमी दाढ़ी नहीं रखता उसको रोजाना का खर्चा है, जिसने दाढ़ी रखी खर्चा खत्म। अब क्या उसको लीपना है और क्या लगाना है, इसके खर्चे ही खत्म। बस जरा दाढ़ी के अंदर कंघी घुमा दी, इसमें भी फरमाया कि इतना मुनहमित मत हो जा के बस हर वक्त आईने के सामने ही बैठा है, उससे भी मना फरमाया कि किसी काम में इतने मशगूल मत हो जाओ कि अल्लाह की याद से बिल्कुल बेखबर हो जाओ और अपनी जीनत आराई में लग जाओ, इससे भी मना फरमाया। तुम्हारी दाढ़ी है ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीनत है, अब नई जीनत की कोई जरूरत। जीनत भी इस्लाम ने सिखाई कि जीनत करोगे तो कैसे करोगे, बेजीनतिल ईमान। भाई मसलन हम अपनी आवाज को मुजयन करना चाहते हैं तो गानों के जरिए से करने से मना फरमाया, फरमाया जय्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज से कुरान करीम को मुजयन करो। और खुश आवाजी के साथ, अभी हजरत कारी साहब ने कितनी बेहतरीन आवाज के साथ दिल खुश कर दिया, बेहतरीन किरात। और नजम भी हजरत हाफिज साहब ने अच्छी पढ़ी लेकिन थोड़ी सियासी थी। तो ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, तुमको बहुत अपनी आवाज का अच्छे करने का शौक है तो अकेले में बैठ जाओ, खूब कुरान करीम गुनगुनाओ। लैस मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरान, इसके दो माना अगरचे बयान किए हैं लेकिन एक माना यह भी है।
तो मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा करवाया। आज भाईचारे की बहुत कमी है, इसकी वजह जानते हो क्या है? हमारे दिल साफ नहीं है। हम किसी के साथ सामने बैठकर अच्छी बात करते हैं, जैसे ही उसकी पुश्त फिरती है हम पेशानी पर हाथ मारकर वो मोहब्बत को झटक डालते हैं। थोड़ी देर के लिए उसके साथ अच्छी बात कही और वो गया तो गीबत कर दी। अब हुजूर का तरीका सीखो। एक साहब दूर से चलते हुए चले आ रहे हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। हुजूर ने फरमाया ये जो आदमी आ रहा है ये कौम का खराब आदमी है, बेकार आदमी है ये। थोड़ी देर के बाद वो आ गया, हुजूर ने इस्तकबाल किया, उसको बिठाया और उसके साथ बड़ी अच्छे तरीके से और सलीके से गुफ्तगी। दुनिया को सलीका सिखाने के लिए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाएंगे। सलीके की जिंदगी गुजारो, डिसिप्लिन की जिंदगी गुजारो, रायदान मत करो, अपनी लाइफ को डाल मत दो। जब वो चला गया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया कि हुजूर आपने तो उसके साथ बड़ी अच्छी बातचीत की, जबकि आपने फरमाया कि कौम का खराब आदमी है ये, गुंडा टाइप का आदमी है, आपने तो बहुत अच्छी शानदार बात की। जवाब रसूलों से सीखना है, नबियों से सीखना है, अल्लाह वालों से सीखना है। यूं फरमाया कि मैंने यूं कहा था कि वो खराब है, ये तो नहीं कहा था कि मैं खराब हूं। वो खराब तरीके से बरते, मैं भी खराब तरीके से बरतूं तो दो खराब हो जाएगा। दो खराबियां जमा मत करो। उसने अपना तरीका रखा, हम अपने हुस्न सुलूक के जरिए से सामने वाले को जीत सकते हैं। इस वक्त का जिहाद क्या है? इस वक्त का जिहाद है अखलाक। सामने वालों के साथ अखलाक से पेश आना। अगर मारना है सामने वाले को हमेशा के लिए अपना बनाना है तो अखलाक से पेश आओ। कितना प्यारा जवाब दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मजलिस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, वहां हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी मौजूद है। एक शख्स आया और उसने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहना शुरू किया। बहुत देर तक सुनते रहे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो जवाब देना शुरू किया। सब खराबियां मेरे अंदर है तो तेरे अंदर भी कुछ खराबियां तो है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमली कंधे पर डाली, रवाना होने लगे। उठ गए हजरत अबू बकर, हुजूर को रोका, सरकार मुझे एक बात बताइए, आप जब तक वो मुझे बुरा कह रहा था आप बैठे रहे मुस्कुराते रहे, और जब मैंने जवाब देने की कोशिश की आप उठ खड़े हुए। हुजूर ने जवाब दिया कि जब तक तुम जवाब नहीं दे रहे थे तो फरिश्ता जवाब दे रहा था, मैं इसलिए बैठा रहा कि फरिश्ता मौजूद है, रूहानियत मौजूद है, तो मैं तो उसकी वजह से बैठा था, लेकिन तुमने जवाब देना शुरू किया तो फरिश्ते ने अपनी बिसात जो है वो समेट ली, वो रवाना हुआ तो मैं भी रवाना हो गया। हर सवाल का जवाब नहीं है, जैसे अभी वसीम रिजवी तरह तरह की बातें करता है, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब यह है कि इसका कोई जवाब नहीं, इसका यह जवाब है।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किताब न आपकी है न मेरी है, किताब अल्लाह की है, अल्लाह देख लेंगे। कुरान करीम में ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तुम फिक्र में मत पड़ो कि कुरान कैसे महफूज रहेगा, ये मेरी फिक्र है कि कुरान कैसे जिंदा रहेगा, कयामत तक कैसे चलेगा, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा इसको। तुमको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अंसार और मुहाजिरीन में सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुआखात कराई हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। जानते हैं हजरत अबू दर्दा बहुत बड़े सहाबी हैं, इनकी दो बीवियां थी, एक बीवी कम इल्म वाली थी, एक बीवी बड़ी आलिमा थी, उलमा को पढ़ाती और फिका में बड़ी माहिरत। एक अरसे तक मुआखात रही, फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का अपना घर हो गया, वो चले गए, जरूरत पूरी हो गई। अब याद आया, चलो भाई की खबर लेनी चाहिए, भाई कोई बीमार हो जाए उसकी आयादत करो, कोई गमगीन हो उसका गम दूर करो, कोई परेशान हाल हो उसकी परेशानी दूर करो, कोई सलाम कर दे, जवाब दे दो। अभी मैं कह रहा था मोहब्बतें पैदा करने का सबसे आसान रास्ता बगैर खर्चे वाला यह है कि सलाम करते रहो, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, सामने वाले के दिल में यकीनन मोहब्बत पैदा हो जाएगी, खर्चा कुछ भी नहीं है। सब नुस्खे हुजूर बता के गए हैं, किताबों में मौजूद हैं, उनको जिंदगी में लाना है, उनको जिंदगियों में उतारना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, अमल में लाना है। और कोई चीज बाकी रखना हो ना दुनिया में तो प्रैक्टिस से बाकी रहती है, बातों से बाकी नहीं रहती। बात तो आज है कल खत्म, लेकिन जो चीज अमल में आ जाती है वो हमेशा बाकी रहती है। जैसे तजवीद के अंदर हमने कायदे पढ़ लिए, अब वो कायदे जारी कर दिए हमने कुरान करीम के अंदर, हमेशा कायदे हमको बचपन में पढ़ के हम भूल गए, लेकिन कुरान सही पढ़ रहे हैं, क्यों जिंदा रही तजवीद, आप अमल कर रहे हैं। तो अमल करने से अमल जिंदा रहता है, और अमल करने से दावत होती है, सामने वाले को तबलीग भी होती है। कभी बोलना तबलीग, कभी न बोलना तबलीग, आपका अमल बोलेगा आप नहीं बोलेंगे। ये मौका और महल की बात है कि कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कुद्दस सिर्रुहुल अजीज एक ट्रेन में सफर के अंदर थे, एक ऑफिसर साहब भी चढ़े, चुटेट बुटेट थे, हाथ में बड़ा बैग था और सफन सफा थे। हजरत से बहुत डीप नॉलेज के अंदर बात करते थे, दीन के बारे में ऐसा मालूम हो उनको बहुत नॉलेज है। फिर जब नमाज का वक्त होता तो हजरत उनसे इजाजत ले लेते और नमाज के लिए मुसल्ला बिछा देते, एक नमाज पढ़ी, दो नमाज पढ़ी, वो मानूस होता गया मुसलमान था। शागिर्दों ने कहा, हजरत इतना मुतासिर है आपसे, इतनी बातें कर रहा है आपके साथ, तो इसको नमाज की दावत दो ना। फरमाए, इसको अकल नहीं है दीन की, इतनी बातें करता है तो ये नहीं मालूम कि पांच वक्त की नमाजें फर्ज है, ये बेवकूफ है कि इसको समझाऊं मैं हरगिज नहीं कहूंगा इसको। एक स्टेशन आया और वह उतर गया, उतर के चला गया। दस बारह साल के बाद हजरत का एक और सफर हुआ, स्टेशन पर एक साहब से मुलाकात हुई, लंबा कुर्ता, दाढ़ी साफा, बड़ी दीनी वजाकत, अपनी वजाकता भी दीनी बनाओ,
डरो मत, मुल्क में रहना है तो साफा बांध के नहीं रह सकेंगे, किसने कहा टोपी पहनकर नहीं रह सकेंगे, किसी के साथ रहना है उनको। अपना मिल्ली जो तशफ्फुस है इसको बरकरार रखकर हमें रहना है, ये चीजों को छोड़ना नहीं है। ये छोड़ोगे तो एक दिन कलमा भी छोड़ने की नौबत आएगी और ये मस्जिदें भी बंद कर देनी पड़ेगी। मुकाबले में डटे रहना है। क्या चौपालों में फजूल बात करते हो, ये बात करो ना, काम की बात करो। रोजाना फजाइल आमाल की चौपाल में बैठ के 10 मिनट तालीम करो, 5 मिनट का मदरसा किताब है रोजाना पढ़ो, तो कुछ लेके उठोगे वो चौपाल से मेरे दोस्तों नौजवानों, कुछ लेके उठोगे, वरना गीबत के ढेर लेकर उठोगे। इसलिए फरमाते हैं कि जब तुम्हारी मजलिस खत्म हो जाए, जिस मजलिस में न अल्लाह का नाम हो, न रसूलुल्लाह पे दुरूद हो, न दीन की कोई फिक्र हो, इस मजलिस से उठने वाले ऐसे हैं जैसे मुर्दा गधे की लाश के ऊपर से उठे हैं। आज हमारी मजलिसें वैरान, क्योंकि या तो बेचारा मौजू कोई हाफिज होता है या कोई मौलवी बेचारा गुजर गया तो वो मौजू होता है। लोगों की एक सांस होती है, मौलवी के तो जितने मुक्तदी हैं सब सांसें हैं, इसको सांस की कोई कमी नहीं है। तो अर्ज कर रहा था कि एक दिन मुलाकात के लिए गए हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु की मुलाकात के लिए गए। देखा तो बीवी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मेले कुचेले कपड़े हैं। पूछा कैसे मेले कुचेले कपड़े क्यों पहनती हो, शौहर के सामने तो अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। हमारे मौलाना अहमदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि औरत बाहर निकले तो भंगन बन के निकले और शौहर के सामने रहे तो दुल्हन बन के रहे, क्योंकि इसकी मरकजे निगाह और इसका नुक्ते नजर सिर्फ शौहर को खुश करना जिससे अल्लाह खुश होगा, गैरों को खुश करना इसका काम नहीं है। ये कोई बिरयानी का पतीला नहीं है कि बाहर निकाल के रख दिया और जो आया वो चख के जा रहा है। इस्लाम ने औरत को एक अच्छा मर्तबा और एक बेहतरीन मकाम दिया है, उसको इस शान के साथ रहना। फरमाया अच्छा लिबास पहनो। क्यों नहीं ऐसा अच्छा लिबास पहनती, कहा कि अबू दर्दा को मुझसे कोई लेना देना ही नहीं, क्या करते हैं वो, दिन भर नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, रात को तहज्जुद में लगे रहते हैं, जनो शवी के कोई ताल्लुकात ही कायम नहीं है, तो मैं क्या करूं लिबास पहनकर। उस रोज रोजे से थे अबू दर्दा ने नफली रोजा रखकर। अबू दर्दा की अहलिया ने खाना बनाया, सलमान फारसी मेहमान है, खाना तैयार किया और कहा खाना खाइए। कहा मेरा भाई अबू दर्दा ना खाए वहां तक मैं नहीं खाऊं। कहा मैंने रोजा रखा है, कहा मेरे लिए तोड़ना पड़ेगा रोजा, नफली रोजा तोड़ सकते हैं, फिर बाद में कजा कर लेना, अभी तोड़ दो, मेरे साथ बैठ जाओ। खाया, ईशानो टाइम थी, नमाज पढ़ीने फारी किया, एटले हमने मुसल्लो आम कंधा नहीं ऊपर मूको ने हिद्दा पोताना रूम ने अंदर तहज्जुद पढ़वा चाला। पीछे से अबू दर्दा को पकड़ा सलमान फारसी ने, कहा जाते हो अभी, अरे नमाज पढ़ने जा रहा हूं। कभी नमाज नहीं, अभी बीवी का हक अदा करो। शौहर का बीवी पर हक है, बीवी का शौहर पर हक है, और एक नफ्स का दूसरे नफ्स पर हक है। वातु कुल्लजी हक्किन हक्कहू
और हर हक वाले को उसका हक देना दीन है। तो जनोशवि के ताल्लुक भी कायम करो, दिन को साथ बैठकर खाना भी कहो, और अगर गपशप भी करना है तो बीवी के साथ बैठकर बातचीत करो, इससे उसका दिल खुश होगा। तो अर्ज कर रहा था कि दीन ऐसी जिंदा दिली के साथ जीने का नाम है, मुर्दा दिली के साथ नहीं। तो अर्ज कर रहा था कि वो 10 साल के बाद जो साहब स्टेशन पर मिले, मुलाकात हुई, हजरत ने पूछा आप कहां के शेखुल हदीस हैं? उन्होंने कहा हूं तो शेखुल हदीस नहीं, तो मामूली मानस छू, कॉमन मानस छू, क्या दाढ़ी ने आटली मोटी कुर्तो ने टोपी ने आ इमामो ने आ बधू। हजरत आपने मुझे पहचाना? का नहीं। कहा से 10 साल पहले ट्रेन में सवार हुआ था, और ट्रेन में सवार होने के बाद आपने नमाज पढ़ी, लेकिन साथियों को कहा कि मैं इसको कभी नहीं कहूंगा कि नमाज पढ़ी, इसकी अकल मारी गई है कि देखते हुए भी अमल नहीं करता, जब इतना मुझे चाहता है तो मेरी चाहत का अमल क्यों नहीं करता। कहा आपका न कहना मेरे दिल पर हथौड़ा बन के ऐसा लगा कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी तब्दील कर डाली, मेरी पूरी जिंदगी आपके न कहने की वजह से चेंज हुई है। कब कहना है, कब नहीं कहना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। हुजूर ने फरमाया अच्छा तुम्हारे लिए बैठना जरूरी है, थोड़ा दिल की बड़ास निकल जाए, थोड़ी बातें हो जाए, आपस में दोस्त अहबाब मिले, दिल की बातें करें, उसके लिए बयानात बंद मत करवाओ। बयानात बंद करवाने की जरूरत नहीं, बयान को जारी रखो और यहां जमा हो और सुनो दीन की बात। क्यों? वही कुरान पर आ जाओ। अल्लाह फरमाते हैं वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो इस बिना पर कि नसीहत ईमान वालों को फायदा बख्शती है। तो कुरान खुद कहता है। अब ये कहते हैं कि आम मौलवियों ने कहीं धंधा नहीं आ रहा, क्या इन्हें बयान ठोका कर, अरे बयान ठोकता नहीं, हमने बोला हम आवेला थे, हमने कुर्बानी आपी ने आ बिचारा तमारा गाम में आया है, इनने इक्राम करो। एक जमाना ऐसा था कि गाड़ियों का इंतजाम नहीं था, बैलगाड़ों के अंदर मेरे वालिद साहब ने, शेख अहमदुल्ला साहब रहमतुल्ला अलैह ने जो है वो बैलगाड़ों में सफर किए, बैलगाड़ों में, घोड़ा गाड़ी में, हांसोट तक तो मैं भी गया मेरे अब्बा के साथ। उन्होंने इतनी मेहनतें कर डाली, मेरे वालिद साहब घुटने तक के कीचड़ में चलकर गांव में गए। गांव में ईद का समा हो जाता था, आज हजरत आए हैं, आज हजरत आए हैं, पूरा गांव इकट्ठा और कोई जाने के लिए घर तैयार नहीं है, हजरत आए हैं हम घर चले जाएं, कैसे हो सकता है। मौलाना अहमदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं रविद्रा गया तो जो बैलगाड़ा लेकर आया था वो अनाज गल्ला लेने के लिए आया था पानोली के अंदर, तो एक तरफ डिब्बे रखे हैं, दूसरी तरफ गोनियां रखी है, कभी डिब्बों के ऊपर मैं आता हूं, कभी डिब्बे मेरे ऊपर आते हैं, इस तरह तो मैं रविद्रा पहुंचता हूं। ये हजरत कुर्बानियां दे गए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस दौर के एतबार से उलमा अपना घर छोड़कर आते हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर आते हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर आते हैं, और मुर्गी की टांगों की कोई हैसियत नहीं है। दोस्तों मैं आपको दिल्ली की बेहतरीन होटल का बिल भी दूंगा और आपको मैं फ्लाइट का खर्चा भी दूंगा। बोलो जाकर दिल्ली में खाना खाओगे? नहीं खाएंगे। क्यों? हमारे पास टाइम नहीं। तो उलमा फारिग है, ये फुर्सत में है कि जब बुलाते हैं चले आते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर कुर्बान करके वक्त देकर गला फाड़ते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्या जरूरत है
उम्मत की जरूरत को सामने रखकर दे देने वाला क्या दे देगा? इमाम को कुछ नहीं देते, मौलवी को क्या देंगे तुम? खाली आके बैठ के सुनना है उस पर भी एतराज? आपको तो खुश होना चाहिए कि उलमा का आना फितनों के दरवाजों का बंद होना है, इनकी दुआएं मिलती रहेंगी, आते रहेंगे, जो बुलाते हैं उनके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह आपको जजाए खैर दे। क्या अच्छी बात, अभी आपके यहां डांसिंग पार्टी हो जाए तो बर्बादियां नहीं आएगी, बेबरकतियां नहीं आएगी। तो उलमा आएंगे तो उनके साथ बरकतें कुरान और हदीस की नहीं आएंगी। وَذَكِّرْ فَإِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى, नसीहत करते ही जाओ, कोई एक को भी फायदा हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। उलमा ये नहीं देखते कि मजमा कितना आया, उलमा ये देखते हैं मुखलिसीन कितने बैठे हैं। मेरे वालिद साहब को खांसी हो रही और रात को बयान था, कब्बा इतनी खांसी हो रही है तो बयान करने की क्या जरूरत है, आप ना कहलवा दीजिए, बयान करने वालों की तो कोई कमी है नहीं, कोई खड़ा हो जाएगा बयान कर लेगा। फरमाया नहीं, मुझे बुलाया गया तो जाऊंगा तो मैं भी। कब्बा इतनी खांसी के साथ कैसे बयान करेंगे? कहा जब खांसी आएगी खांसूंगा, जब बोलने की हिम्मत होगी बोलूंगा। मैं रियाकारी करने थोड़ा जाता हूं, मैं तो अल्लाह के दीन की बात सुनाने जाता हूं, तो खांसी से क्या मेरी तकरीर में फर्क पड़ता है? एक जगह मैंने देखा 10 से 20 आदमी खाली बैठे हैं और मेरे वालिद साहब ने पौन घंटा उनके सामने तकरीर की। जो सुनने आया है उनको दीन सुनाना है, वो सुनने वाले 2 हों और ये सुनने वाले 2000 हों और जो सुनने वाले 2 लाख हों। 45 मिनट का बयान 10 आदमी के बीच में भी करते हैं और 45 मिनट का बयान 2 लाख के मजमे के सामने भी करते हैं। ये इसको कहते हैं इखलास। इखलास वालों के कदम आपके गांव में आ रहे हैं तो बरकतें समझो इसको, अल्लाह का करम समझो और कदर करो, और जो बुला रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो और उलमा की मजालिस में शामिल होने का मिजाज बनाओ। कुछ नहीं बिगड़ेगा, खाली आपका वक्त जाएगा और ये वक्त भी इंदल्लाह इंशाल्लाह अजर के साथ लिखा जाएगा कि इतनी देर तक अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को इसने सुना था। ये छुटकारे का सबील है, रास्ता है, नजात का तरीका है। तो हुजूर ने फरमाया कि जब तुमको चौपाल में बैठना नागुजीर है तो फिर रास्ते का हक अदा करो। हुजूर रास्ते का हक बता दीजिए, हम वो अदा करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, अपनी नजरों को झुका के रखना, वहां से मां बहनें भी गुजरेंगी। गद्दुल बसर, निगाहों को झुका के रखना। दूसरा कफुल अजा, आने जाने वालों को हमारी जात से किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे, इसका ख्याल रखा जाए। नंबर 3, अगर कोई रास्ता चौराहे पर आकर भूल गया है तो उसको रास्ता बताना कि भाई तुम्हारा रास्ता ये है, इधर से जाना है, इधर से जाना है। चौपाल में बैठना भी सदके का सवाब हो, अल्लाह ताला सदके का सवाब देंगे। और फरमाया, कोई अच्छी बात किसी को कहनी हो तो प्यार मोहब्बत से कहना, और कोई काम गलत कर रहा है तो उसको गलत काम से रोकना। लो, तुम्हारा बैठना इबादत बन गया। तो बात असल में यह है कि ये जिंदगी जो मुस्तार अल्लाह ताला ने हमें अमानत के तौर पर जो अता फरमाई है, इसको इस तरह से खर्च करना है जो किताब सुन्नत वाला रास्ता है। हमारा चलना कैसा हो, हमारा बोलना कैसा हो, हमारी गुफ्तगू कैसी हो। हदीस शरीफ में फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ से
और जिसकी जबान से लोग ईजा नहीं पाते। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। कमाल दर्जे का मुसलमान वो है कि वो अपनी जबान से भी किसी को तकलीफ नहीं देता। जबान को कंट्रोल में रखना, बोलने वालों को बहुत कंट्रोल करना है अपनी जबान पर। एक जुमला हमें जहन्नम में भी पहुंचा सकता है और एक जुमला हमें जन्नत में भी पहुंचा सकता है। लिसान का तस्करा, हाथ से मारा निशान बनेगा, जबान से दिल पे मारा इसका कोई मरहम नहीं है। यह ऐसा जख्म है कि मुंदमिल होने वाला नहीं है। जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा दिल पर दाग लेके जाएगा कि हाय फलान ने ऐसा मुझे दिल दुखाया। दिल दुखाने वाली बात मत करो, दिल जोड़ने वाली बात करो, आपस में मोहब्बतें पैदा हो ये बात करो। ये आज का उनवान था इस्लाहे माशरा। इसलिए चंद बातें इस सिलसिले में मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला हमारे जवानों को खास तौर पर और तमाम इमाम वालों को आम तौर पर अपने औकात की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज जो हालात चल रहे हैं दोस्तों, इन हालात में अपने दामनों को और अपने आप को उलमा के दामनों से जोड़ कर रखो तो ये गुमराहियों और फितनों के जमाने में इनकी राह पर चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें राह याद रखेंगे। ये रहेंगे तो हमारी मस्जिदें आबाद रहेंगी, ये रहेंगे तो हमारे बच्चों की तालीम होगी, ये रहेंगे तो हमारे मदरसे आबाद होंगे, ये रहेंगे तो हमारे घरों के अंदर दीन होगा, ये रहेंगे तो घर में भी दीन होगा, माँ बहनों के अंदर भी दीन होगा। इनकी फिक्रों में जुड़ जाइए, इनके साथ रहिए, इनका इकराम कीजिए, इनके साथ मोहब्बत का मामला कीजिए। और उलमा भी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि मेरा एक कदम अगर गलत उठेगा तो उम्मत जो है 10 कदम गलत उठा लेगी, और मैं मकरूह का इर्तिकाब करूंगा तो उम्मत हराम का इर्तिकाब करेगी। इसलिए उलमा को भी बहुत संभल कर चलना है कि मेरे पीछे एक जम्मे गफीर आ रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बच्चे को देखा, वो चल रहा था, उसका पैर जरा सा फिसल गया। वो जानता था नौमान इब्ने साबित इमाम अबू हनीफा को, बच्चा बच्चा कूफा के अंदर जानता था। बच्चे का पैर फिसला तो हजरत इमाम आजम ने फरमाया, बच्चे जरा संभल कर चल, अभी तेरा पैर फिसल गया, गिर जाता तुझे नुकसान हो जाता। वो छोटा बच्चा था लेकिन उसने पलट कर कहा, इमाम साहब मैं फिसलूंगा तो मेरा नुकसान, मेरी लाइफ और मेरी जिंदगी तक लिमिटेड रहेगा, आप संभल के चलना क्योंकि आप फिसले तो पूरी उम्मत फिसल जाएगी। तो असल चीज है उलमा का अपने आप को मोहतात रखना, जिंदगी ऐसी गुजारना कि नौजवानों के लिए, लोगों के लिए हम नमूना बन जाए। हमारे किसी गलत अमल से कोई गलती दुनिया के अंदर नशर व इशाअत न पा जाए, बुराइयां न फैले, इससे हमें भी एहतियात करना है। और उलमा करते ही हैं बेचारे, रात दिन इसी कोशिश में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक सईद अता फरमाए। एक छोटी सी तस्बीह कर लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की और फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मौलाना सिराज साहब भी आए हैं और दूसरे हजरत मौलाना इलियास साहब भी तशरीफ रखते हैं, इनके भी बयान होते, लेकिन असल में मेरा वहां वक्त 10 बजे से कर्फ्यू का शुरू होता है, 10:15 तो यहीं हो चुके हैं। अब दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला हिफाजत के साथ और आफियत के साथ पहुंचाए।
तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मसजूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। और तेरे सिवा मशहूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादमे आखिर विर्द जुबां ए मेरे इला ला इला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه وبتاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ديني. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتي. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما،
अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। ए अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा, दीन से मोहब्बत अता फरमा, दीनदारों से मोहब्बत अता फरमा, उलमा से मोहब्बत अता फरमा, कुर्रा से अइम्मा से मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह इनकी कुर्बानियों को अपने फजल से मंजूर और कबूल फरमा, अपनी रजाए दायमी अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा जिंदगी के हर हर शोबे में नसीब फरमा, जाकिराना और शाकिराना जिंदगी अता फरमा, गफलत वाली जिंदगी से हिफाजत फरमा। अल्लाह तुम से राजी और खुश हो जा और हमें तेरे अहकाम पर चलने की सआदत से बहरावर फरमा। ए अल्लाह हमारे जवानों को तूने बेहतरीन सलाहियतें अल्लाह अता फरमाई, इन सलाहियतों का सही इस्तेमाल फरमा ले। और अल्लाह बुरी बातों से, खराब चीजों से, शराब से, जुए से, बुराइयों से, बदकारियों से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ए इलाहुल आलमीन जिन हजरात ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया उनको जज़ाए खैर अता फर। ए अल्लाह पूरी उम्मत को मगफिरत का सामान अता फरमा, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्द की मगफिरत फरमा, और ए अल्लाह पूरे मजमे की मगफिरत फरमा, और अल्लाह बीमारी जो चल रही है अपने फजल से दूर फरमा, इस वबा को आजमाइश को दूर फरमा, नाबूद फरमा पूरे आलम से, और आफियत के साथ जिंदगियां ईमान वाली गुजारने की तौफीक अता फरमा। ईमान पर दुनिया से जाने वालों की मगफिरत फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझने दूर फरमा। ए अल्लाह ये दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। बेरहमतिका या अरहमर रहीमीन मुसाफाना फरमाए। मैं सलाम कर लेता हूँ, आप जवाब दे दें, आपके इनायत होगी, एहसान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइंदा कल हजरत वाला दामत बरकातुहुम का भदी में बयान है।